हेलो गाइस, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एराइल हैलाइड को और इसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टी और नेम डायरेक्शन को देखेंगे। और वीडियो को क्या करना है, आपने कंप्लीट देखना है और एंड तक देखना है साथ में। और जो इसकी नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चेक करिए और वहाँ से डाउनलोड करिए। उससे पहले आपको ये वीडियो कम्प्लीट देखनी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा इतना कि नोट्स कैसे बनाने हैं, हमें कॉपी पे कैसे वो करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एराइल हैलाइड की बात करें तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं, बेसिकली जो बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। हैलोजन में कौन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमें याद रखना है। और इसमें हम देखेंगे जनरल प्रेपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखते हैं फर्स्ट कौन सी प्रेपरेशन है इसकी, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हम क्या करवाएंगे, बेंजीन को ट्रीट किससे करवाएंगे, हैलोजन से करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। और हैलोजन कैरियर का क्या फंक्शन होता है वो हम मैकेनिज्म में देखते हैं। और क्या बनेगा, हेलो बेंजीन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ये हमें याद रखना है। एसिड डिपेंड करेगा कौन सा हम हैलोजन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं कि ब्रोमीन ले रहे हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हैलोजन कैरियर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिच साइड के ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर। तो क्या बनता है, हैलो बेंजीन बनता है। अब क्या आता है देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन इफ़ हैलोजन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। ये कह रहा है कि अगर हमने टाउलिन लिया है जहाँ हैलोजन एल्काइल बेंजीन लिया, तो उसको हम क्या करवाएंगे, हैलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। और क्या बनेगा हमारे पास, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम क्या करवाएंगे, एल्काइल बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाएंगे तो साइड चेन बनेगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बन रही है, सेकेंड रिएक्शन जो है टाउलिन के साथ हमने क्या करवाया, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बन रहा है, साइड चेन बन रही है, ये याद रखना है। उसके बाद अब क्या आता है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट में क्या करवाएंगे, हम डाइजोनियम साल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करवाएंगे, एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड अंडर आइस कोल्ड कंडीशन गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और द नाइट्रस एसिड इज फॉर्म्ड इन सीटू बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड कंसनट्रेटेड HCl अंडर कोल्ड कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएज़ोटाइजेशन। डाइएज़ोटाइजेशन करवाएंगे हम, क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करेंगे अंडर कोल्ड कंडीशन में। हम कैसे करेंगे, हमने रिएक्शन लिखी है NaNO2 प्लस HCl अंडर कोल्ड कंडीशन, क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को हम क्या करवाएंगे, एनिलीन के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे और एक्वा सोल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को लिखने के तीन तरीके हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या आता है, हम डाइजोनियम साल्ट की कुछ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। कॉपर हैलाइड के साथ अगर करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस कॉपर क्लोराइड। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर के साथ क्या मिल रहा है हमें, अगेन हेलो बेंजीन मिल रहा है और साथ में HCl मिल रहा है, ध्यान से कि यहाँ पे एसिड मिल रहा है आपको। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट को हम वार्म पोटाशियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, आयोडोबेंजीन मिल रहा है और यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड मिल रहा है, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करवा रहे हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या मिलेगा इसको हीट करने के ऊपर, अगेन हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, बाल शाइमन रिएक्शन। अब क्या आता है, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, हमने NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लिया होता है और किसके साथ करवाते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एराइल बेंजीन, ठीक है, एराइल हैलाइड के साथ करवाते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ एराइल हैलाइड को किसके साथ करवाते हैं, हम कॉस्टिक सोडा के साथ, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, हैलोबेंजीन मिलेगा या एराइल हैलाइड मिलेगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद फ्रॉम फिनोल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिनोल को हम ट्रीटमेंट किससे करवाएंगे, PCl5 से, क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हमें याद रखना है।
ठीक है। और जो यील्ड है इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत कम बनेगा, इसलिए हम इसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें देखना है रेजोनेंस क्या से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए आपको ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन हैलोजन बॉन्ड अटेन्स अ डबल बॉन्ड करेक्टर, हैंस इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, सो इट इज़ नॉट इजली रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल। ये हमें याद रखना है, डबल बॉन्ड को हम इजली इजली रिप्लेस नहीं कर सकते, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब आती हैं इसकी एराइल हैलाइड टाइप्स, एराइल हैलाइड शोज फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये आपको याद रखनी रखनी है। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ड्यू टू रिंग, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमने ड्रा किया है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमें क्या देखना है, हेलो एल्केन को, हेलो बेंजीन को हम किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ, 623 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमोसफियर प्रेशर लेना है, तो हम क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। और ट्रीटमेंट किससे करवाएंगे, एसिड के साथ करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि फिनोल की प्रिपरेशन भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हेलो बेंजीन के साथ हम किसको ट्रीट करवाएंगे, कॉपर साइनाइड को और DMF को, क्या मिलेगा, साइनोबेंजीन मिलेगा। ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें याद रखना है एलाइड, यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया के साथ करवाएंगे, जहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे, अंडर 60 एटमोसफेयर प्रेशर एट 470 केल्विन, तो क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मोल्स लेने हैं किसके, एराइल बेंजीन के, ठीक है, और हेलो बेंजीन के 2 मोल लेने हैं, और किसके साथ ट्रीट करवाना है हमें, कॉपर ऑक्साइड के साथ, जहाँ अमोनिया के साथ, सॉरी कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर याद रखनी है। और DMF क्या था, बेसिकली डाई मिथाइल फार्मामाइड, यहाँ पे देख लीजिए कैसे बनता है, फॉर्मिक एसिड लेंगे, फॉर्मिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे, फार्मामाइड मिलेगा, और फार्मामाइड से हमें अगेन उसकी मिथाइलेशन करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, डाई मिथाइल फार्मामाइड, ये उसकी DMF है। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ दे देखेंगे, तो रिएक्शन विद मेटल में क्या आएगा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे, तो ग्रिग्नर RMGX, हम जानते हैं क्या होता है, ग्रिग्नर रिएजेंट, और यहाँ पे भी फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड मिल रहा है, तो क्या होता है, ये भी ग्रिग्नर रिएजेंट होता है। रिएक्शन विद मेटल के साथ करवाएंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, फिट्ज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम हमने रिएक्टेंट लिया है, और सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा, डायफिनाइल मिलेगा, और इसको क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शंस। अगर यही हम क्या करवाएंगे, एक हम अल्काइल हैलाइड और एक हम एराइल हैलाइड लेंगे, तो क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम क्या क्या कहते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन, हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, यहाँ पे उसको अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और हमें क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन, ये हमें याद रखना है। अब जो लास्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडक्शन, रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, और ये बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ क्लिक करिए, और जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।